जब लग गुरु मिले न साचा तब लग गुरु करो दस पाचा क्या गुरु बदल सकते हैं क्या गुरु बदलने से पाप लगता है आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सतगुरुदेव की जय सर्वसंगत से प्रार्थना है सत्संग प्रारंभ हो रहा है कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्व विराजमान हो करके श्रद्धा से सत्संग सुने परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है सत्संग प्रारंभ हो रहा है कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने सत देव की जय बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय बंदी छोड़ ग्रीव दास जी महाराज जी की जय स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो ਗ੍ਰੀਵ ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨੀ ਜਨ ਸਾਧਵਾ ਸੰਤੋ ਸਰਵਸਤੀ ਨਹੀਂ सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान ਨਰਾਕਾਰ ਨਿਰਵਿਸ਼ਮ ਕਾਲ ਜਾਲ ਵੈਵੰਦਨਮ ਨਿਰਲੇਪਮ ਨਿਜ ਨਿਰਗੁਣਮ ਅਕਲ ਅਨੁਪਵੇਸ਼ੁਨ ਦੁਨਮ ਸੋ ਹਮ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਪਤੰ ਸਕਲ ਸਮਾਨ ਨਿਰਤਲੇ ਉਜਵਲ ਹਿਰੰਬਰ ਹਰ ਦਮੰ ਬੇ ਪਰਵਾ ਅਥਾ ਹੈ ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮਦਤੰ ਗਰੀਬ ਜੋ ਸੁਮਰੈ ਸਦ ਹੋਈ ਗਣਨਾਇਕ ਗਲਤਾਨਾ ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੋਈ ਪਰਸ ਪਦ ਪਰਵਾਨਾ ਆਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਉ ਗਣਨਾਇਕ ਦੇਵਨ ਦੇਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਉ ਲਾਉ ਆਦੰਤ ਕਰੂ ਸੇਵਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗੀਤੰ सिद्धिदाता सोई अवगत गुण सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पोसी मुक्ति भंडारी नर मुनि जनद्या ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुखगाव पूज्य आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रायध्यावें समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि आधारा ध्याव से अठासी उतर बहुजल पारा कट यम की फंसी तेतीस कोटि आधारा वें से अठासी उतर बाउजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करो डरू चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूँ कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियों मैं बंदी जा मैं गुलाम कुत्ता हूँ देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे खे चो तो तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो जो राखो तो जाऊं ज्यो रखो त्यों ही रहूं जो देवो सोख परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्य आत्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ सौभाग्य है आपका आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिस समय में परमात्मा ने ये मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति मार्ग सतसाधना सत ज्ञान अब सार्वजनिक करने का आदेश दे रखा था पुण्यात्माओं सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं इसका कारण क्या है वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे बैल भैंस कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं ये क्यों इतना दुखी है हमने एक साधारण सी सामान्य सी सोच बना रखी है कि ये तो कुत्ते गधे सुवरतः ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं और हम आगे चल पड़ते हैं अपने विचारधारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं ये सब अभाव किस कारण से है ये सब सोच ये हम इधर ध्यान नहीं देते इसका कारण क्या है इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला और सत्संग मिलता है सतगुरु से और सतगुरु का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक रहा अभी तक जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा आपकी धारणा एक दर् साधारण की तरह उन प्रतिदिन के कार्यों में ही बनी रहेगी आपकी आस्था उन्हीं में बनी रहेगी जैसा कि हमें तत्वज्ञान होने से पूर्व हमारा जो दिन दिनचर्या थी दो जो हमारा उद्देश्य था टारगेट था वो क्या था बच्चे थे शिक्षा ग्रहण करेंगे अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी विवाह हुआ संतान होगी इनको पाल पोस देंगे इनका विवाह कर देंगे बस फिर हम बेशक मर जाए हमारा काम पूरा हो गया <laughs> इतना ज्ञान था हमें मानव जीवन का क्या इतना ही कार्य था ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य ज्यादा प्यार से करते हैं एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है उछल कूद मचाती रहती है एक चिड़िया अपने बच्चे के एक पक्षी अपने बच्चों को आहार खिलाता है पहले जंगल से उन अपने मुख में भरके लाता उनके लिए और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है इतनी ममता उनके अंदर भी है और यही कर्म अगर मनुष्य का था तो फिर क्या फायदा मनुष्य जीवन को इतनी सुविधा देने का इसका मूल उद्देश्य कुछ और है जो आपको सत्संग से पता चलेगा और हमें भी फिर सत्संग से पता चला जो आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है उनके पास सत्संग नहीं है दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है और धीरे धीरे इसकी सार्थकता इसकी सत्यता आपके पास पहुँचेगी फिर आप इस दास के इन वचनों को सुनकर आंखों से आंसू बहाया करोगे कि सचमुच वो ज्ञान था उनको कह कह का पता नहीं लाखों लोगों को वर्मित किए बैठे हैं वो लोग अब सत्संग है या सत्संग है इसका ज्ञान कहां से होगा उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने कबीर परमेश्वर जी ने उस समय वो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे लेकिन वो परमात्मा भी थे उन वो आते ही इस लोक में इस उद्देश्य से हैं कि मैं अपने बच्चों को अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं बताऊं, सत्य सत्य बताऊं, सच्ची साधना इनको बताऊं और ये इस साधना इस विधि से करके इस प्रकार मर्यादा में रह करके ये यहाँ काल के जाल से निकलकर सतलोक आ जावे प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा आते हैं और यही यथार्थ ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है ये उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है और दास ने उन्हीं की कृपा से कबीर परमेश्वर जी की रजा से गुरुदेव की दया से इस ज्ञान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है यही ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आते हैं हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं लेकिन उस समय हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं होते मानव दुखी नहीं होता उसमें विशेष सुविधाएं रहती हैं सतयुग में तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है वो पूर्व जन्म की भक्ति युक्त होते हैं वो जो भी साधना गलत सलत जैसे भी करते रहते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं इनसे ही हमें ये सुविधाएं और सुख प्राप्त है उसका कारण भी सत्संग का अभाव है वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आप जी को केवल वही प्राप्त हो रहा है वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो तो इस कारण से वे परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो दुखी नहीं यही सती थी त्रेता में यही द्वापर तक रहती है और कलयुग के प्रथम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जन्म ही होता है और यही दशा उनकी रहती है दूसरा कारण ये होता है कि हम अशिक्षित होने के कारण सदग्रंथों से अपरिचित रहते हैं और जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और पहले थे वे एक भाषा विशेष से तो परिचित होते थे लेकिन सदग्रंथों की सत्य से उस यथार्थता से वो अपरिचित होते थे वो हमें केवल दंत कथा, लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभव ही हमें सुनाया करते थे और बोला करते वो संस्कृत और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे भाषा संस्कृत में तो हमने ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं ये जो ज्ञान बता रहे हैं ये विद्वान हैं संस्कृत भाषा पढ़े हैं इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक समझा है छह सौ वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है ये कोरी झूठ बोल रहे हैं इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है आपको भ्रमित करें ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है वो शास्त्रों के विरुद्ध है ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विधान बताते हैं जैसे हमारे आचार्य पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर संत महाराज जितने भी थे उन सबको परमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं ये इनको ब्रह्मा को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव को शंकर को ये अजरो अमर बताते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती मृत्युंजय कालज्य सर्वज और सर्वेश्वर बताते हैं ये झूठ बोलते हैं और इन तीनों गुणों की पूजा गलत है कबीर परमात्मा कबीर जी कहा करते थे परमेश्वर जी तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ोसन सारे कहे कबीर निध नाम बिना कैसे उतरो पारे तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से श्री दरबार श्री विष्णु श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती आपका मोक्ष नहीं हो सकता और जो नाम तुम्हें ये देते हैं हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे सीताराम ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव और भी अन्य सहन सरनामा विष्णु जी का मनाका आपको दे रहे हैं ये मंत्र वास्तविक नहीं है और वास्तविक नाम के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता रोगी है उसको यथार्थ औषधि नहीं मिलेगी उसका रोग कैसे नाश होगा और उसको कोई ऐसे बांग खिलावे है और कहता है मैं तेरा रोग नाश की दवाई दे रहा हूं तो वैद्य की औषधि को वैद्य ही बताता है तो उस समय हम अशिक्षित थे परमात्मा पर अविश्वास हुआ उनके ज्ञान पर और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे उस पर हमें विश्वास रहा तो उसमें जो कलियुग के प्रारंभ कलियुग के प्रारंभ में भी अच्छी आत्माओं का ही बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है आप जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है आज से पचास वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में उस समय के लोगों के विचार उनके अंदर कितनी सहनशीलता आपस में प्यार भाव और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे स्वस्थ भी रहते थे उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एकाद परिवार को छोड़कर तो वो अच्छी आत्माएं थीं उन उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते थे क्योंकि दास का जन्म जिस वर्ण में हुआ है इस किसान जाट वर्ण में तो भक्ति नहीं करते थे विशेषकर जो दास का जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ तो वहाँ से खूब परिचित है उन व्यक्तियों से अच्छी आत्माएं थी कर्मठ थे उनका विधान केवल इतना ही था अपना कर ले और खा ले 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 कर दे, दे। इसमें वो दर्द थे लेकिन भक्ति के आसपास नहीं थे और फिर भी सबको सारी सुविधाएं थी बच्चे भी ठीक थे उनके आ, आगे संतानें भी थी एक आधे को छोड़कर और वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे सारा दिन ओक्का पाड़े ताश खेल रहे। या कि मैं और बात बतलावें राम नाम तो उनका मुंह पक दे दास ने सुना नहीं रिश्तेदारियों तक का भी खूब ज्ञान है मुझे और घर का भी अपने परिवार का और अपने गांव का हो गया को सारे गांव में दस बीस व्यक्ति कोई धार्मिक से वो अलग बात है वो भक्ति करते हो वो भी जैसे लोक वेद की तो कहने का भाव यह कि वो अच्छी आत्माएं थी और वो साधना करते या ना करते उनको सब सुविधाएं प्राप्त थी तो ऐसे ही परमात्मा जब आए तीनों युग तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में उस समय यह प्राणी घड़ा दुखी नहीं था और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए केवल दुखी दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस में आए और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे तो कहने का भावदास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था उनको तत्व ज्ञान नहीं था और जो दुखी थे महादुखी थे वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे वो आए नहीं कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा ये हमारे लिए अभी तक आगे आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें चौसठ लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे सन तेरह में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रगट हुए थे उनके कोई माता पिता नहीं वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे वो परमात्मा को बालक को ले गए थे वो नी संतान थे और उनके घर परमात्मा लीला में तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए बड़े होकर दुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे वो सतगुरु का रो, रोल भी करते थे जिस कारण से वो जुल्हा कहलाए तो उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया कुछ आशीर्वाद से कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है इस पांच नाम का बस इससे उनको बहुत लाभ हुआ चौसठ लाख सेस बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर फिर परमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज ए एक संत ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी एक लड़की वैसा थी का थी उसने सत्संग सुना उसको अपने कर्म से नफरत हुई आत्मा गई उसकी परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की मालिक क्या मेरा भी मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है कबीर परमात्मा ने कहा बेटा आत्मा तो लाल है ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है कीमत में कोई अंतर नहीं होता आगे गलती ना करना पीछे जो बनी सो बनी ये सफाई हो जाएगी उस बेटी का या उस बेटी के यह बात समझ में आ गई उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैसा थी सबको पता था परमात्मा के सत्संग में आने लगी कबीर जी के सत्संग में तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे तू यहाँ मत आया कर बदनाम करवाएगी हैं और तो उस लड़की ने परमात्मा जी से गुरुदेव से कहा गुरुदेव वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए बताने की चेष्टा की कुश्ती हो व संत बंदगी कीजिए हो के विश्वास चरण चित दीजिए क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है उससे नफरत ना करना उससे भी सत्सायब बोलना प्यार से डील करना उसको क्योंकि वो भक्त है परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका ऐसे ही बताते हैं हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए यदि दी कोई गणिका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है उसको भी एक भगत भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना अपनी आत्मा में दोष देना देखना उसके प्रति क्योंकि वो भगवान की बच्ची है धीरे धीरे बुराई छूटेगी क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के सं, संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है यहाँ आएंगे कोई शराब पीता है कोई सिगरेट पीता है कोई मांस खाता है कोई रिश्वत लेता है कोई चोरी करता है कोई दुराचार करता है यहाँ आएंगे उनको पता चलेगा उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेंगी चाहे कोई डक के मारता है चोर है जब उसको पता चलेगा तो ऐसा जुल्म कर रहा है इसको कहाँ भरेगा कीड़े पड़ेंगे कुत्ता के सिर में खाज लागेगी माया यही रह जाएगी तू लूट लूट कर जा रहा है ले जा रहा है या कोई भी बुराई कर रहा है उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं सतर्क हो जाती हैं आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं तो ज्ञान सत्संग से ही होता है कोई भी यहाँ आओ सत्संग एक ओपन सथल होता है सबके लिए अलाउड है और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छुट्टेगी बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे लेकिन एक और हमारे अंदर दोष है हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं और जब सुख हो जाता है क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा जैसे एसी रूम है एयर कंडीशनर और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में उसमें तो आती उसको राहत मिलेगी मिलेगी वो वो वातावरण ऐसा है तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते तो कबीर साहब कहते हैं वो दुख भी आप वो सुख भी आपके लिए एक आपके लिए जो है ना एक बहुत बुरा सिद्ध हो गया अभी साफ बन गया आपके लिए तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे शेष और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी अपना अपना मता नहीं चल सकता या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिर रखे यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी गान को ग्रहण किए होते हम पहले बुरा छोड़ चुके होते ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया ये हमें पहले ही प्राप्त होता अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के और अपनी ही से फिर आप चलोगे ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं यहाँ ऐसा होना चाहिए खाक होना चाहिए जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए भक्त भक्त ही होता है तो नहीं उनके गले उतरी नहीं आत परमात्मा समझ गए कि ये अब भक्तिहीन हो गए हैं क्योंकि गुरु जी के वचन की अवेलना करने से नाम खंडित हो जाता है इन सभी समीकरणों को देखकर परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ला इनकी अच्छी तरह फड़क निकाल दूं क्योंकि जो आत्मा कोई जैसे कोई बुराई घनी कर रखी हो तो उसने अपने पाप दिखाई देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करता है ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की चेष्टा करता है और जैसा उसका सामर्थ्य है वो दान धर्म भी खूब करने की चेष्टा करता है तो बहन जो गणिका थी वैसा थी वो परमात्मा के अति निकट आकर के सत्संग सुनती थी मुँह की तरफ देखती रहती थी भगवान के वचनों को क्योंकि उसने तो ज्ञान कदम सुना नहीं था उसकी तो आत्मा प्यासी थी पचास साल की उम्र हो ली थी इसकी सारे बुराई करते करते तो उसके कारण वो सभी जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे संगत में उन्होंने औरों को भी भ्रमित कर दिया कि ये लड़की यहाँ ठीक नहीं है गुरुजी बदनाम हो जाएंगे ये हो जाएगा तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाइन की फटक निकाल दूँ यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की आवश्यकता ही नहीं है एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारे भक्त आदरणीय रविदास जी से कहा कि आप एक आती किराए पर ले आओ रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया आती किराए पर ले आई दो सदेह हुए हाथी होते हैं और उस लड़की से कहा गणका से वैसा से बेटी तो कल अपना सारा सुंदर कपड़े पहनना सब आभूषण लगा करके और मेरे पास आना जो आज्ञा गुरुदेव की लड़की अगले दिन कबीर साहब की कुटिया में पहुंच गई रविदास हाथी ले कर आ गया लड़की को हाथी पर बैठाया रविदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाइए हाथी ड्राइव करना और लड़की को रविदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बैठा लिया और एक बोतल में सफेद शीसी में बोतल में गंगाजल भर लिया जैसा अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये शराब ले रखी है और उस लड़की गणका के कंधे पर हाथ रख लिया हाथी पर बैठ के कबीर भगवान ने और उस गंगाजल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ती में बैठे ऐसे जोत रहे हैं जैसे एक शराबी गतिविधि करता है ऐसे करने लगे और रविदास जी से कहा कि मेन बाजार है जो काशी का उसके बीचों बीच निकाल दे मारी सवारी ने अब रविदास जी ने उस मेन बाजार में से निकाल दिया अब जो भी देखे रह सरेआम वैश्यावर्ती देखो बहन बेटियों का बाहर निकलना दुबर हो गया बाप बेटा क्या देखेंगे ये कौन है सब बताओ ये तो कबीर है जुल्हा और सभी कहते थे हम तो पहले कहा करते थे हमें पता था कि वहाँ क्या होता है वहाँ वैश्या भी सुप्रसिद्ध जाया करती थी आज देख लो सरेआम हो गया साची जो चर्चा जनता में चले है वह झूठी नहीं होती ले भाई तो उनके कबीर साहब के जो शिष्य थे उनको बुला बुला लिया वो दूसरे के देखो तुम भगवान बताया करते जिसको ये देखो तेरे भगवान के कर्म श्रेआम दा शराब पी रहा है इसको पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है और वैसा को साथ लिए अब वो नकली तो हो रहे थे सारे चिल्ले उनको विश्वास है नहीं था अपने भगवान पर जब सुख होता था जब तो भगवान थे एक छोटी सी लीला देख कर वो शैतान हो गए हमारे लिए तो हम इतने नालायक हो गए थे तो सभी ने परमात्मा से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे हम तो जाते ही नहीं थे हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था मैं ना जाया करता यानी लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से चौसठ लाख विमुख हो गए उधर से क्या हुआ जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे उनके इस इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्म गुरु हैं चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है तुम्हें तो मिसगाइड कर रहे हैं इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो गुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे बहुत सी यातनाएं कबीर साहिब को उन्होंने दी थी लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था तो उन्होंने उनका दाव लग गया और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था उस दिन उस दिन उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी भारत का पूरे भारत का राजा वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए जैसे काशी का नरेश वहाँ उसमें वीर देव सिंह बघेल थे तो उनके पास जाते रहते थे उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे उस उसी समय परमात्मा ने यह लीला की सभी हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे उनका सबका दाव लग गया ब्राह्मण गुरु जितने थे और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था वो पीर था गुरु था किसका सिकंदर लोधी का राजा का और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे वो इतना उसको मानते थे और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था वो भी पहुंचा हुआ था अब सभी ने मिलकर हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु और उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया कहा कि देखो भाई ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा हमारे नगर में रहेगा क्या असर पड़ेगा बच्चों पर कैसे निकलेंगे हम बाहर चलो राजा सिकंदर लोधी आया है उसके सामने हम अपने अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे वो भी परमात्मा कबीर जी के से हो चुके थे उनकी लीला देखकर उनकी शक्ति देखकर उनके ज्ञान को से परिचित होगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के सस्य हो चुके थे क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर ऐसा दरोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और सेस्य भी बन गए थे लेकिन राजा का इतना ही सांग हो, होता है जनता गणी दिखी ना अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है उसने उस समय ना वो भगवान देखता ना कोई गुरु और धर्म देखता धर्म में धार्मिकता तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे सारी कहानी से परिचित होकर के राजा ने आदेश दे दिया कि इसको सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए इसको पत्थर मार मार के राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए कहीं जनता तेरे विरोधी ना हो जाए ये हम इसे नकली है अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का अपने गुरुदेव का अथकड़ी लगाई राजा ने जो एक सिपाही का काम था सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में लोग मेरे से विरोधी ना हो जाए और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं है मेरे से इस इस कारण से विरोध ना कर ले कि यू सजा नहीं दे सकता यू तो इसका चेला है वो सब मर्यादाओं को लांग के अपने हाथों परमात्मा के हाथों में थकड़ी लगाई पैरों में बेड़ी और में एक जंजीर भारा डाला करते तोक जो नीचे पैरों से लेकर अथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी उस पर दौड़ नहीं सकता भाग नहीं सकता धीरे धीरे चल सकता था ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो अब सिकंदर शेख की जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का उसने बागडोर संभाल ली अकेले माफ करते हुआ इसका काम उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी तोक भी जड़ रखी थी पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रसों से और नौका में बैठा के पांच सात दस व्यक्ति साथ गए दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहेब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा इसका टंटा कट जाएगा उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर दरिया के अंदर सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए वो दरिया में डूब गए और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं आसन पदम लगा के नीचे से लहर जा रही है परमात्मा सुरक्षित बैठे अब नौका वाले वापस आ गए अब लोगों ने देखा कि डूबा नहीं पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको जब देखा कि इतना डूब रहा है ना इसको हथकड़ी रही है तो सब ने कहा कि पत्थर मारो पत्थर मारो किनारे से लोगे पत्थर मारने और पत्थर वहाँ कहाँ थे बीच में दो से फुट की दूरी पर फिर कहा कि तीर लाओ गोली लाओ बंदूक से मारो तीर ले आया कोई बंदूक ले आए और वहाँ गोली मारे परमात्मा के ऊपर जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोब मंगाई जाए अब तोब यंत्र लाके खड़ा कर दिया उसमें गोले डाले कबीर साहब के ऊपर दाग गए वो गोला या तो वहीं गिर जाए फस या कबीर साहब से 100 200 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे क्योंकि वहाँ बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहाँ पर वो ये क्रिया कर रहे थे और यह इतनी दूर जापड़े किसी तालाब सरोवर में आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के ऐसे कबीर प्र, ऐसे परमेश्वर की लीला को आदनीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दजर हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से उस ज्ञान से समझकर जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया यहाँ थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं क्योंकि पुणात्माओं आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में अब दास ने पहचाना उस लाल को क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ और उस लाल को उठा कर आपके सामने ला रहा हूँ कि जिनको तुम लाल समझ कर लिए हुए हो वो लाल नहीं है वो समर्थ भगवान नहीं है और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता आपकी गति नहीं हो सकती आपके यहाँ भी पाप नाश नहीं हो सकते आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं वो यहीं कट सकते नहीं कट सकते और आप सुखी नहीं हो सकते यहाँ भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहाँ भी सुख मिलेगा आप जो अपराब प्रारब्ध के कष्ट के कारण आप पाप के कारण आप कष्ट में हैं और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मटे नहीं जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है रोग जब तक नहीं कटेगा वह सुखी हो ही नहीं सकता तो ये प्रारब्ध का जो पाप है ये एक रोग आपका जिस कारण से इस इसके कारण से जो जो आपको कष्ट है कोई घर में समस्या है कोई धन हानि हो रही है या कोई पुत्र में गड़बड़ है या पुत्र वधू का दिक्कत है तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है ये पाप नाश होने से सुख होगा तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। तो यहाँ इसलिए आपको उस लाल की महिमा लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है और किस किसने इस लाल को पहचाना था उसने उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सह शरीर जाने के बाद और सन 1727 में यानी लगभग 200 वर्ष के बाद 209 वर्ष के पश्चात परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निध स्थान से जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धू धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है ऊपर में, तेजो में श्री धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है शिखर पर और वहाँ से गति करके आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो तो दृढ़ भक्त होते हैं उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं अपने से परिचित कराते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है लेकिन वो होता है भगवान इसी अपनी लीला के कारण अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे गरीबदास महाराज जी गांव चुनाने जिला झुज्जर वाले दस वर्ष के बालक थे अपने ही खेतों में गवें चरा रहे थे अपने ही सैकड़ों की संख्या में गवें थी जब किसान जाट के घर जन्म था आदन्य गरीबदास साहिब जी का जमीन बहुत थी उनके लगभग चौदह सौ एकड़ जमीन थी और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी नहीं तो चरागा ही ज़्यादा रखते थे पशुपालन का काम करते थे गौवें सैकड़ों की संख्या में थी आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी दस वर्ष के बच्चे और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो और साथ में गांव वाले भी अपनी गौवों को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा अक्षेत्र था उनके पास तो सभी वहां गौवें चरा रहे थे सतलोक से परमात्मा चलकर आए आदरणीय ग्रिपदास साहिब जी से मिले दस वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं, जहाँ से आप आए हो आप इतना सुख बता रहे हो वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ बाहर वृक्ष हैं बाहर फल फ्रूट हैं वहाँ कोई वर्द नहीं होता वहाँ मृत्यु नहीं होती सुंदर शरीर है ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का बॉडी नहीं है तो तुम वहाँ चलो बच्चा वहाँ सदा सुखी रहोगे या तो असंग असंग वार मर लिए जन्म लिए इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा हो जो ना वो प्रेरणा बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूँ कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए सारे ब्रह्मांड दिखाए और फिर अपने अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी उधर से दस वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को बॉडी को अग्नि लगाने ही वाले थे इस उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया उस ज्ञान का वर्णन करने लगे वाणी बोलने लगे जो तो कबीर गॉड गीवन है तो कबीर परमात्मा ने उनकी दृष्टि खोल दी दीव दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता पहले क्या हुआ था कहाँ कहाँ किसने के के बोलिया था क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता ये पिक्चर सी बन जाती है जहाँ जहाँ हम जाते हैं आते हैं मिलते हैं ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है और जिनकी दीदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहाँ बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को बाकी घटना ज्यों की तो होती इसी प्रकार इसी प्रकार आदनीय ग्रिपदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को जो उन्होंने गण हाथी पर बैठकर कर गण का यानी वैश्य को बीच में बैठा कर लीला की थी फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्माओं जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी जिसको रामायण कहते हैं उस रामायण का वो सारी घटनाओं का जो का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वाणी में किया था तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उसमें चल रही चलचित्र के तरह उस सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है इसी प्रकार अपनी दृष्टि की रेंज होती है जैसे एक सूक्ष्म दर्शी होती है एक दूरदर्शी होती है तो दूरदर्शी का भी दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता होती है कोई तो एक किलोमीटर तक दिखा सकती है कोई सौ फुट तक ही दिखा सकती है देख सकती है और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते यहाँ से बैठे उनकी इतनी अक्षमता होती है इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज़्यादा थी अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान सतलोक से क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा जो हमें मान्य है और होना चाहिए वो सुना अब क्या बताते हैं फिर गण का संग चले बड़ी शराब गरीब दास उस पूरी में जुल्हा भया खराब कि उस नगरी में उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुद्दा व्यक्ति लगने लगा जुल्ला यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगन गया क्योंकि फिर गणका को संग लिया सीसी भरी शराब वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टि में वह सीसी शराब की थी लेकिन वो गंगा जल था गरीब दास पुरी में जुल्हा भया ख़राब पुरी में ये भिष्ट दी नीचे। दास जी ही दो संतों के बीच गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में नगरी में जब कबीर साहब को उस दशा में देखा हाथी के ऊपर बैठा बैठे हुए हाथ में शराब की तरह पी रहे थे गणका को वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी तो सारी नगरी में ताली पिट्टी मजाक मुजाकर गाली दें दुल्हा नीच वो अपनी असलियत पर आ गया देखो आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 880541